नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 के निर्माण बैच में जो संस्थान के द्वारा हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में अर्थव्यवस्था विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इकोनॉमी के सिलेबस में जो दिया गया है कि आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म सिस्टम। यहां आर्थिक सुधार यानी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले बात करेंगे जो हमारे पैट के एग्जाम में जो इकोनॉमी का सिलेबस है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले, फिर हम बात करेंगे आज के टॉपिक में इकोनॉमिक रिफॉर्म पर। चलिए देखिए दोस्तों, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हम लोग पूरे प्लान के साथ उसको डिस्कस करेंगे। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस में क्या क्या है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना या आयोग यानी जो इसके पहले प्लानिंग कमीशन था और उसके साथ साथ जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ दोनों कैसे है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, जो भी ऑपरेशंस है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इस पर डिस्कस करेंगे। और जो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो टॉपिक है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, इस पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिलेबस में क्या क्या है इसको देख लो, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सभी टॉपिक इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चले साथ ही दोस्तों, आपको अगर हमारे यहां बैच में एंट्री लेना है तो उसके लिए हम आपको एक बार प्रोसेस बता देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 निर्माण बैच में अगर आपको हमारे यहां एडमिशन लेना है तो आप इसमें, जैसा कि आपको इसके बारे में रविशर ने खूब कायदे से एक्सप्लेनेशन भी दिया था और कैसे क्लासेस चलेगी, 6 घंटे क्लास है, लाइव कक्षाएं हैं, रिटन नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसी में अगर आपको एंट्री लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एंट्री पैट 2021 लिख करके भेज देंगे। बाकी का कार्य हमारे यहां टेक्निकल टीम पूरी कर लेगी, आपसे बात करके आपका एडमिशन सुनिश्चित कर लेगी। आइए दोस्तों हम लोग बात करें क्या, आइए हम लोग बात करेंगे आज आर्थिक सुधार। किस पर आर्थिक सुधार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे इकोनॉमी के सिलेबस में, पेट के सिलेबस में इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों आर्थिक सुधार का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लो। आर्थिक सुधार का अर्थ यहां पर यह है कि जैसे जो भी चीजें चल रही हैं उसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी नियम कानून थे, उसको बदलने की जब जरूरत पड़ी उसी को कहा गया आर्थिक सुधार। अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि इसका दो पक्ष है। पहला 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था जिसमें लगभग 4 जनरेशंस की बात की गई है, उसके बाद सन 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जो हुए उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले हमको आर्थिक सुधार को लेकर के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि क्या होता है आर्थिक सुधार और भारत में 1991 के बाद से आर्थिक सुधार के कार्यक्रम क्या क्या हुए उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए, जैसे आर्थिक सुधार की बात करें तो जब देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार
किया जाए, अर्थात पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़कर नई व्यवस्थाएं लागू की जाएं, अर्थात पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करके नई व्यवस्थाएं लागू किए जाएं जो कि विधि के अनुसार हो, जो कानूनी रूप से सही हो, जिसमें सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कम की जाए, जिसका परिणाम निम्नवत है, जिसमें आप देखेंगे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बाद से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जीडीपी में ग्रोथ होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, एफपीआई बढ़ती है यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सभी प्रकार की चीजें किसमें बढ़ती हैं दोस्तों, सभी प्रकार की चीजें आर्थिक सुधार के कार्यक्रम के बाद से बढ़ने लगती हैं। देखिए सबसे आसान भाषा में इसको समझना है तो आप ये कह सकते हैं कि जब जो आर्थिक प्रणाली चल रही होती है अगर उससे किसी प्रकार का लाभ ना हो रहा हो, और भारत में जो 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाए गए उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, जैसे कि भारत में आखिर जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि आर्थिक सुधार से आप संबंधित क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि हमें आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, हमें आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की क्यों जरूरत पड़े कि सरकार अपने चीजों अपने हाथ को कम कंट्रोल करे, सरकार निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दे ताकि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्योंकि दोस्तों 1991 के बाद से 1991 में ऐसा महसूस किया गया कि भारत के पास एक हफ्ते तक का ही लगभग खर्च बचा था देश को चलाने के लिए, तो भारत बहुत बुरी परिस्थिति में था। अगर भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म सिस्टम नहीं लेके आया होता तो आज की स्थिति बहुत गड़बड़ होती। उसी में हम देखेंगे क्यों, क्या क्या कंडीशंस थी कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा। सबसे पहली चीज देखिए, आखिर हमें रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे देश में जो पहले व्यवस्थाएं लाई गई थी, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी, जैसे पहला दूसरा पंचवर्षीय योजना था, ये सब जो व्यवस्थाएं थी दोस्तों ना, ये बहुत लॉन्ग विजन देख करके नहीं बनाए गए थे, यह अल्पकाल में कम समय में हम कितना डेवलप कर ले रहे हैं अपने आप को, इसको फोकस करके बनाया गया था, जिससे तमाम स्थितियां बिगड़ती गई और अंततः लगभग 1991 आते आते भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खस्ता हो गई। यानी दूरदर्शिता की कमी थी। पहली दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अगर हम देखें तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पर फोकस कर दिया, कृषि पर फोकस कर दिया, दूसरे पर उद्योग पर कर दिया। तो वहां पर क्या था कि हमने उद्योगों पर जब खर्च किया तो बहुत बड़े पैमाने पे हमने इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दी, लॉन्ग टर्म में हम पैसे के बारे में सोचे नहीं, तो क्या हुआ, पैसा हमारे उसमें से हमारे पास कम होने लगा, पैसा हमारे पास कम होने लगा, तो दूरदर्शिता कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलती है कि बहुत कम हम लोगों की थी। साथ ही साथ सरकार का खुद से चीजों पर उत्पादन, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत यह भी थी कि सरकार हर चीज पर, जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि सरकार ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रही है, पहले क्या ऐसा था सरकार खुद से उत्पादन के कार्य करती थी, सरकार निजी कंपनियों को छूट नहीं देती थी। जैसे किसी कंपनी को ये बता दिया गया कि आपका ये क्षेत्र है, आपका ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, आप जैसे आपको मान लो जैसे 100 मोबाइल किसी कंपनी को उत्पादन करना है, किसी कंपनी को 100 मोबाइल उत्पादन करना है तो वो 100 से 101 नहीं कर सकता क्योंकि सरकार का फाउंडेशन है। तो इस तरीके की चीजें थी, सरकार हर चीज पे नियंत्रण रखती थी, तो यहां पर इससे भी प्रभाव पड़ा कि भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। तीसरी कंडीशन, जैसे लाइसेंसिंग की व्यवस्था क्या है, लाइसेंस भारत में बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ करता था और हर कार्य पे लगभग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। पहले क्या था कि पहले कोई भी कार्य अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बाजार में, जैसे कपड़ा भी बेचना है, तो हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अभी के टाइम में इस चीज में बदलाव हो गया है, आगे बताऊंगा क्या क्या बदलाव हुआ है। साथ ही साथ कोटा मैंने अभी बताया कि जैसे 100 मोबाइल अगर किसी को उत्पादन करना है तो 100 मोबाइल से 101 नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सरकार का उस पर पूरी तरह से नियंत्रण है, यानी निजी
कंपनियों का उनके ऊपर उतना अधिकार नहीं था जितना सरकार का था, सरकार का फाउंडेशन था। परमिशन, परमिट, परमिट की व्यवस्था थोड़ा सा, इस परमिशन की जो कंडीशन थी वो बहुत टफ सिचुएशन था। हर चीज में परमिशन लेकर के ही कोई कार्य करना पड़ता था। भारत में इन सभी परिस्थितियों की वजह से व्यवस्थाएं चरमराती चली गई। जैसे अगर पीछे की स्थिति देखें, वार, जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उसमें भी भारत का बहुत पैसा इन्वेस्ट हो गया, बहुत खर्च हो गया, तो यह भी कारण था। भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत थी। नेशनलाइजेशन, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसमें क्या हुआ, जैसे जो बैंक घाटे में चल रही थी तो उनकी भी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले ली, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं किसके ऊपर बर्डन बढ़ रहा था, सरकार के ऊपर, सरकार के खर्च में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। साथ ही साथ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन में क्या था, विमुद्रीकरण जो अभी आपका 2016 में भी किया गया, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद से भारत में बहुत स्थिति खराब हुई, सरकार पर पैसे का, कर्ज का ज्यादा बोझ बढ़ता चला गया, ठीक है। ये पहली बार जब 1978 में किया गया था भारत में डिमोनेटाइजेशन, उस टाइम 1978 में किया गया था, जिसकी वजह से भारत के खर्च में बहुत वृद्धि, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जैसे आपने सुना होगा जो पंचवर्षीय योजनाओं में इसका नारा भी दिया गया था, पांचवीं और छठवीं में गरीबी हटाओ पर बहुत फोकसफुली काम किया गया था। तो क्या गरीबी हटाओ किसी व्यक्ति के पास से पैसा लेकर के किया जा रहा था, सरकार अपने पास से ही गरीब लोगों की मदद कर रही, तो सरकार का क्या एक्सपेंडिचर्स बढ़ते चले जा रहे थे। तो ये सभी कारण अगर आप सभी जोड़ करके देखो, दूरदर्शिता की कमी थी, सरकार खुद से उत्पादन के कार्य करना चाहती थी, लाइसेंस कोटा परमिट वाली स्थिति थी, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस था, वॉर की स्थिति, जैसे चाइना के साथ में वॉर जो था चाइना और पाकिस्तान, तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा, नेशनलाइजेशन, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में क्या हुआ कि कई सारे ऐसे कंडीशंस थे देखने को मिले कि सरकार बैंकों की जो स्थिति थी उसको अपने ऊपर ले ली। भाई अगर रजिस्ट्रेशन, किसी बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो उसके पास अगर वो दिवालिया होने की स्थिति में था तो सरकार ने तो उसकी जिम्मेदारी ले ली। तो यह सब कहीं ना कहीं सरकार के खर्च को बढ़ाती चली गई, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे गरीबी हटाओ हो, ये सभी रीजंस हैं। देखो दोस्तों, आप डायरेक्ट ट्यूशन कर सकते हो लेकिन आपको पहले ये फैक्चुअल चीज समझना होगा कि आखिर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की, आर्थिक सुधार कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि इस परिस्थिति, कारण तो ये था, इसकी वजह से स्थितियां क्या क्या हुई, इसकी वजह से स्थितियां क्या क्या हुई यह भी देख लो। जो रिजल्ट थे, जैसे देखो सरकार का फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय, इसको मैं बताऊंगा जब बजट पढ़ाऊंगा, राजकोषीय घाटा क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। राजकोषीय घाटा का अगर अर्थ समझें तो राजकोषीय घाटा हम ये कह सकते हैं कि खर्च ज्यादा इनकम कम, यानी एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं इनकम कम है, किसकी तुलना में, हमारे देश में पैसा जितना खर्च किया जा रहा है उसकी तुलना में राजकोषीय घाटा सरकार की क्या होने लगी, राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो आपने पीछे की परिस्थितियां देखा कि डिमोनेटाइजेशन, गरीबी हटाओ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और सरकार का खुद से चीजों का उत्पादन करना, ये सभी चीजों में आपने देखा कि सरकार को कहीं ना कहीं पैसे का बर्डन बढ़ता जा रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको भुगतान शेष कहा जाता है, क्या दोस्तों, भुगतान शेष, भुगतान शेष क्या होता है इसको समझ लो पहले। भुगतान शेष का अर्थ होता है जैसे आपने कोई चीज अमेरिका से खरीदा और अमेरिका से खरीदने की स्थिति में क्या आप अमेरिका से रुपए में कोई चीज खरीदोगे, नहीं, निश्चित रूप से आप डॉलर में कोई चीज खरीदोगे। जैसे मान लो आप चाइना से कोई चीज खरीदते हो तो चाइना से कैसे खरीदते हो, चाइना से उसके यहां के उसमें आप खरीदोगे, तो उसके लिए आपको उस देश का आपके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। जैसे अगर आपको चाइना से इन्वेस्ट करना है, भारत में जैसे चाइना के साथ व्यापार बहुत ज्यादा होता है, तो चाइना का व्यापार करने की स्थिति में क्या चाइना
कि रुपए में उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप तो कुछ बेच नहीं रहे हो कि आपको कुछ वहां का रुपया मिलेगा, युआन मिलेगा या फिर डॉलर मिलेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको उस देश का रुपया अगर वापस करना है तो उसी देश से रुपया भी, उसी देश का पैसा भी आपके पास आना चाहिए। तो हमारा भुगतान संतुलन गड़बड़ हो गया था क्योंकि हमारा व्यापार संतुलित नहीं था, हम बहुत ज्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम चीजों को खरीद तो लेते थे लेकिन भुगतान उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारे देश दिवालिया भी हो जाते हैं कि उसके धन के अकॉर्डिंग उसको पैसा पेमेंट नहीं कर पाना, यह भी स्थिति थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष कम हो जाने की वजह से हम लोग दिवालिया की स्थिति में होने वाले थे। मात्र और मात्र 1991 में अगर देखें तो 1991 में हम दिवालिया होने के एक हफ्ते बचे थे, यानी एक हफ्ते का खर्च हमारे देश में बचा हुआ था। महंगाई बढ़ गई बहुत ज्यादा भाई, सब चीज अगर सरकार करेगी तो सरकार कहीं ना कहीं देखेगी कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि भी होगी, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि इन्फ्लेशन में भी वृद्धि, उद्योगों का खराब प्रदर्शन, जो भारत में उद्योग थे उनका जो था बहुत खराब प्रदर्शन था, बहुत खराब स्थिति थी, इसकी वजह से भी हम अगर देखें तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी यह विशेष कारण सभी थे। आपने देखा क्यों स्थितियां बनी थी, उसका परिणाम क्या हुआ था, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका कंडीशन और सॉल्यूशन क्या था इसको देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या था तत्कालीन उस टाइम, देखें आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपका क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनेगा, वो पीछे की चीजें बस आपको अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए कि आखिर चीजें हुई कैसे। देखो जैसे प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, मनमोहन सिंह, इसको आप याद रखिएगा, मनमोहन सिंह कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर से वित्त मंत्री थे, और प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। अब देखो भारत के पास पैसे नहीं थे, पैसे चाहिए थे, तो पैसे चाहिए कहां से, चाहिए पैसे कहां से मिलेंगे, पैसे मिलेंगे कहां से, पैसे भारत ने आईएमएफ से लिए। भाई भारत ने कहां से पैसा लिया, भारत ने पैसा आईएमएफ से लिया। आईएमएफ ने एक कंडीशंस रखी, क्या क्या कंडीशंस रखी, देखो उसने कहा कि हम पैसा तो दे देंगे, आपको अपने यहां एक्सचेंज रेट आपको घटाना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट का मतलब विनिमय दर आपको अपना घटाना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होता था कि जब 1991 में ये चीज था तो $1 के बराबर लगभग 21 रुपया का सामान विदेशियों को मिलता था। जैसे अगर कोई चीज $1 का खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 21 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा था। इसने कहा कि आप अपने यहां अपने मुद्रा की वैल्यू को कम करो, यानी इन्होंने क्या कहा कि डीवैल्यूएशन करो, किसका, अपने मुद्रा का। देखो डीवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन करो, अवमूल्यन। तो आपको बताऊं 1991 में ही भारत में अवमूल्यन किया गया, और आपको मैं बता दूं भारत में अवमूल्यन की स्थिति तीन बार देखने को मिली, 1949, 1966, 1991, और 1991 में ही दो डेट पर, 1 जुलाई और क्या 3 जुलाई, दो दिन के अंदर दूसरी बार, लेकिन इसको काउंट एक ही बार किया जाता है, होता क्या है, जैसे अवमूल्यन किया क्यों जाता है यह बात समझ लीजिए, किसी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर देना। मानक मुद्रा वर्तमान स्थिति में देखा जाए सब पूरी दुनिया में तो डॉलर है, कि किसी देश के साथ व्यापार किस में किया जाता है, डॉलर में किया जाता है। जैसे मान लो अगर हम युआन नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डॉलर को देते हैं, किसको, चाइना को। तो ऐसी स्थिति में वो डॉलर पर बांध जाता है चीजों को, व्यापार को लेकर के। तो हमें
अपने मुद्रा को डॉलर की तुलना में कम करना, अपनी मुद्रा को डॉलर की तुलना में कम करना ही क्या कहलाता है, मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन। साथ ही साथ एक बात, कंडीशन ये थी, इसने यह कहा कि आयात शुल्क में कमी कर दीजिए। आयात शुल्क मतलब जैसे आप जो चीज खरीदते हो, जो आपके यहां इंटरनल टैक्स है, उस पर आप कमी कर दो, तो उससे क्या होगा, जो बेचने वाली कंपनियां होंगी वह आसानी से आपके यहां कोई चीज बेचेंगी, तो आपके यहां विदेशी निवेश, थोड़ा सा विदेशी डॉलर या फिर युआन या फिर येन कुछ भी आपके यहां आने लगेगा, यानी विदेशी मुद्रा आपके यहां आने लगेगा। तीसरी बात, लाइसेंस सामान्य करने की स्थिति, लाइसेंस सामान्य करने की स्थिति। पहले क्या था कि भारत में लाइसेंस लेने के लिए बहुत परिस्थितियों के साथ गुजरना पड़ता था, कि एक बार आपको कहीं केंद्र से चाहिए तो राज्य से चाहिए तो जिले से चाहिए, जहां कर रहे हो वहां के लोकल उसमें चाहिए, हर जगह से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। तो कोई भी काम कोई विदेशी हमारे यहां स्टार्ट ही नहीं करना चाहता था कि लाइसेंसिंग प्रणाली इनके यहां बहुत खराब है, बहुत खराब है। ठीक है, उसके बाद सरकारी व्यय कम करने के लिए भी आईएमएफ ने सलाह दिया। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। भारत के पास जब पैसा नहीं था 1991 में, तो भारत का सबसे बड़ा स्रोत यही बना था पेमेंट करने के लिए, और इसने बड़े पैमाने पर भारत में पैसा दिया और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तेजी से बढ़ा सिर्फ इसी की बदौलत। इसने कहा भी कि देश में ऐसी परिस्थितियां, यहां पर लाइसेंसिंग प्रणाली नॉर्मल होने वाली है, यहां पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, सोशलिज्म जो है वह कम किया जाएगा, इस तरीके की चीजों पर फोकस किया गया, तो भारत में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ध्यान से देखिए, उसके बाद देखो अब आर्थिक सुधार क्या है, अब आर्थिक सुधार क्या है उसकी परिभाषा आपके सामने है। भारत सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया, भारत सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया, किसके, आईएमएफ के। उसने सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े स्तर पर संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता थी, और इसी संरचनात्मक बदलाव को कहा गया आर्थिक सुधार। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने पीछे बताया, कि जो आईएमएफ ने बताया कि आप ऐसे ऐसे करो, यह पूरा प्लान था किसका, पी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इसी को राव मनमोहन मॉडल भी कहा गया, किसको, इसी को राव नरसिम्हा राव मॉडल भी कहा गया, इसको राव और मनमोहन मॉडल कहा गया, राव मनमोहन मॉडल, और इसका नाम दूसरा था, इसका नाम दूसरा था एलपीजी, एलपीजी क्या दोस्तों, एलपीजी, एलपीजी की नीति। एलपीजी क्या था, इस बात को समझिए, अब थोड़ा सा ठीक से यहां पर अंडरस्टैंड करिएगा चीजों को, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको पता चलेगा। देखो एलपीजी का मतलब, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, उदारीकरण क्या था, एलपीजी का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, एल का मतलब था लिबरलाइजेशन, जिसका अर्थ है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब यहां पर यह होता है दोस्तों कि हम अपने देश में लाइसेंस की व्यवस्था बहुत नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल मतलब पहले क्या हुआ होता था कि सभी लगभग चीजों पर, किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पादन कर रहा है तो उस पर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। अभी के टाइम पे क्या है, भारत में सिर्फ और सिर्फ छह चीजों पर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है अभी वर्तमान स्थिति में। जैसे कोई भी विस्फोटक पदार्थ हो गया, कोई जैसे गुटखा सिगरेट से संबंधित कोई चीज हो गई, जैसे कोई रक्षा से संबंधित कोई बात हो गया, कोई विशेष रसायन हो गया, रासायनिक चीजों के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो वह सभी चीज कैटेगरी में किसके आते हैं, उस छह कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में जो पहले लाइसेंसिंग प्रणाली थी वो बहुत टफ थी और बहुत चीजों के लिए थी,
बाद में ये चीज सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया। आपको बताऊं 1991 के बाद से, 1991 के बाद से भारत में ये जो लिबरलाइजेशन की स्थिति है ये बहुत नॉर्मल होने की वजह से भारत में एफडीआई, एफडीआई मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत तेजी से बढ़ा। एफडीआई बढ़ा तो लोगों को रोजगार मिलना चालू हुआ, भाई इन्वेस्टमेंट होगा, उत्पादन के कार्य होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे देश में तो उत्पादन के कार्य होंगे, उत्पादन के कार्य होंगे तो रोजगार में वृद्धि होगी। भाई उत्पादन करने के लिए जो लोग, लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगी तो बेरोजगारी में कमी, बेरोजगारी में कमी तो गरीबी में कमी, गरीबी में कमी तो इसका मतलब है भारत की स्थिति, आर्थिक दशा सही हो रही है। तो राव मनमोहन मॉडल क्या था, एलपीजी की नीति, एलपीजी की नीति कब आई थी, 1991 में। दूसरी स्थिति थी, दूसरी स्थिति थी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है कि निजीकरण, इसका अर्थ है क्या दोस्तों, निजीकरण, निजीकरण, निजीकरण का अर्थ क्या होता है, निजीकरण का अर्थ होता है सरकार अपने हाथ को कम करके चीजों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने का कार्य करना। यानी जैसे वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजों को सरकार प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में दे दे रही, तो इससे क्या होगा, जो सरकार का निजी दायित्व है वह कम होगा, जो पहले था कि सरकार हर चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट रखती थी। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होगा, प्राइवेट कंपनियां वही चीज अपने तरीके से कम पैसे में करने की कोशिश करेंगी और ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलने की संभावना होगी इस परिस्थिति में। दूसरी बात, इसमें जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है यहां पर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, जैसे वैश्वीकरण इन दोनों का रिजल्ट है, यह उदारीकरण और निजीकरण का रिजल्ट क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन यानी निजीकरण। इन दोनों पर ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों पर काम करने के बाद से हमने पाया कि हमने जी पर भी काम कर लिया। वैश्वीकरण का अर्थ यहां पर यह है कि जो पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया की कंपनियां हैं, उनको यह न्योता देना कि आप भारत देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर लाइसेंसिंग प्रणाली आसान विधि में है, आप यहां पर आराम से क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आराम से यहां पर क्या पैसा बना सकते हैं। ऐसा किसको बताया गया, ऐसा निजी कंपनियों को बताया गया। देखिए अब इससे संबंधित आपने इतना चीज समझा, सर हमको आप ये बताइए कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सब तो ठीक है ये बात आपने बता दी, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे अभी तक जो जो चीज हमने देखी है उससे संबंधित क्वेश्चन यहां पर देखिए। सबसे पहला चीज आपका क्या होना चाहिए कि आर्थिक सुधार, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो अब आपके सामने ऑप्शंस कई सारे रहेंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो आप उसमें ऑप्शन में क्या आंसर मारेंगे, पीबी नरसिम्हा राव, पीबी नरसिम्हा राव। दूसरा क्या होगा, दूसरी चीज क्या होगी, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहां पर कैसे बनेगा, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, भारत में कितनी बार अवमूल्यन किया गया,
अवमूल्यन किया गया। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, आप कहीं भी किसी भी बुक में देखेंगे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, मैं लिख करके बता रहा हूं। जैसे पहला इसमें कहते हैं जैसे एक बार, दूसरा बी दो बार, तीसरा तीन बार, चौथा चार बार, तो कितनी बार, कितनी बार हुआ भारत में तीन बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, कब कब, 1949, 1966, 1991, 1991 याद रहेगा। चलो चौथा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि आर्थिक सुधार के जन्मदाता कौन है, आर्थिक सुधार के जन्मदाता कौन है भारत में, कई लोगों का नाम रहेगा उसमें आप आंसर क्या देंगे, उसमें आप आंसर क्या देंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आंसर क्या होगा आपका, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें चौथा क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, जैसे भारत में एलपीजी की नीति कब लाई गई, भारत में एलपीजी की नीति कब लाई गई, भारत में एलपीजी की नीति कब लाई गई दोस्तों, तो भारत में एलपीजी की नीति 1991 में, ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार एलपीजी की नीति लाई गई 1991 में, कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी में और क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन और बन सकता है कि आर्थिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम से सरकार का क्या उद्देश्य सिद्ध हुआ, क्या उद्देश्य सिद्ध हुआ, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि सबसे पहला चीज यहां पर आप बता देंगे कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश बढ़ा, भारत में उत्पादन के कार्य बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट आप यहां पर बता सकते हैं कि भारत में एफडीआई बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। कई सारे क्वेश्चन इस पे और भी बना सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब बैच में तो वहां पर और अच्छे से देंगे कि ये मैंने हैंड रिटन अपने से क्वेश्चन तुरंत बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से संबंधित 2014 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे यहाँ बैच में एडमिशन लेने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप पे एंट्री पैड 2021 लिख करके भेज सकते हैं और आपको बाकी का काम हमारे यहाँ के टेक्निकल टीम पूरी कर लेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।